हाय फैमिली, प्लैनेट मूवीज के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा खुश था कि यार इतने समय के बाद जाके कोई नई ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई ट्रांसफॉर्मर्स की लास्ट मूवी 6 साल पहले आई थी 2017 में, जो कि बहुत बुरी तरीके से पिट गई थी। उसके बाद हाँ, बम्बलबी नाम से एक और मूवी निकली थी, मगर उस मूवी में एक्शन की थोड़ी सी कमी थी। नो डाउट मूवी काफी अच्छी थी, इवन IMDb पे 7 से ऊपर की रेटिंग मिली थी मूवी को, मगर एक ट्रांसफॉर्मर मूवी में एक्शन का ज्यादा ना दिखाना डजंट मेक एनी सेंस। उसके बाद जाके अब कोई ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर मूवी आई है और उसके बारे में मैं बात ना करूँ, ना ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे हाँ, एक और चीज, मैं इंट्रो देना तो भूल ही गया, क्या करूँ यार, पुरानी आदत है, जाती ही नहीं। तो आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का रिव्यू, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो दोस्त, रिव्यू करने से पहले मैं मूवी के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? खैर छोड़ो। इस मूवी में कहानी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश की है, एंड मूवी का मेन फोकस ट्रांसफॉर्म की के ऊपर है, जो एक ऐसी चाबी है जो ट्रांसफॉर्मर्स को अपने घर भी भेज सकती है और उसके साथ यूनिक्रॉन को अर्थ पे भी ला सकती है। अब यूनिक्रॉन क्या है नहीं पता, ट्रांसफॉर्मर्स क्या है नहीं पता, मैक्सिमल्स क्या होता है नहीं पता, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई रखी है, जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। और हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक मेन विलन मौजूद है, जिसका नाम है स्कर्ज, जो सर्वेंट है यूनिक्रॉन का। लेकिन मुझे दिक्कत तब हुई जब इस मूवी में डिसेप्टिकॉन्स का नाम तक नहीं लिया गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मुझे लगा था मुझे मूवी में जॉन सिना देखने को मिलेगा, बट नहीं मिला, शायद फ्यूचर में देखने को मिल जाए। मुझे एक और चीज मूवी में इंटरेस्टिंग लगी और वो था मिराज। लिटरली मिराज इस पूरी मूवी का हाईलाइट था, बाकी ट्रांसफॉर्मर्स को ठीक से दिखाया भी नहीं गया। और माइकल बे की मूवीज की तरह इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी भी कलरफुल था और ट्रांसफॉर्मर्स के कलर भी रंगीन थे, जो लड़ाई के दौरान साफ जाहिर होता है कि कौन किसको पेल रहा है। पेलने से याद आया, मैं तो एक्शन के बारे में बोलना तो भूल ही गया, तो बम्बलबी मूवी में जिस एक्शन को मैं मिस कर रहा था वो यहाँ पूरी हो जाती है। हर 5-10 मिनट बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसको देखने में मुझे तो काफी मजा आ रहा था, बट मुझे लगा कि VFX में थोड़ी सी कमी है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि मैं कार्टून देखने आ गया क्या, और पता नहीं मुझे ट्रांसफॉर्मर्स की हाइट कभी छोटी लग रही थी तो कभी बड़ी। और मूवी में मैक्सिमल्स को हाफ आवर के बाद दिखाना शुरू किया, जो बुरा नहीं था, लेकिन उनके ओरिजिन को थोड़ा विजुअली एक्सप्लोर करना चाहिए था, मगर छोड़ो। अब माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर मूवी में कैरेक्टर बिल्डअप ना के बराबर था, वो कैरेक्टर बिल्डअप इस मूवी में बराबर मिलता है। इसके अलावा नोआ डियाज और मिराज की केमिस्ट्री मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मगर बाकी ट्रांसफॉर्मर्स को साइड कैरेक्टर बना दिया। इवन ऑप्टिमस प्राइम भी मुझे उतनी ज्यादा किक नहीं दे रहा था। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स का एक सॉफ्ट रिबूट है, मतलब बेवर्स का यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। जिस बेवर्स यूनिवर्स में ऑप्टिमस प्राइम का भरोसा इंसानों के ऊपर से उठ गया था, वो यहाँ पे भी दिखता है, जो कि सोचने पे मजबूर करता है कि मूवी की टाइमलाइन क्या होगी। एक और राज की बात बताता हूँ, 2018 के बम्बलबी मूवी का टाइम पीरियड 1987 है, जबकि राइज ऑफ द बीस्ट का टाइम पीरियड 1994 है, यानी बम्बलबी मूवी के 6 साल बाद और मेन यूनिवर्स से 13 साल पहले। और सवाल ये भी है कि ऑप्टिमस प्राइम इंसानों की मदद क्यों नहीं कर रहा, जबकि 2007 की ट्रांसफॉर्मर मूवी में यही ऑप्टिमस प्राइम इंसानों को बचाने की कस्में खा रहा था। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सिंपल है, मैंने कहा था ये एक सॉफ्ट रिबूट है, ना कि फुल रिबूट। मतलब बेवर्स के कुछ इवेंट्स एंड एलिमेंट्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वही कुछ एलिमेंट्स को पूरी तरीके से इरेज कर दिया है, सिंपल। अब इतने सालों के बाद ट्रांसफॉर्मर मूवी निकला है और इसको ना देखना आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज में एक्शन हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। हाँ, इस मूवी का स्टोरी काफी वीक और सिंपल था, लेकिन स्टोरी की किसको पड़ी है? आप मूवी का एक्शन देखने आए हो, गाड़ियों को रोबोट्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखने आए हो, जिस ट्रांसफॉर्मेशन को मेकर्स ने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, वो आपको इस मूवी में भरपूर देखने को मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, मैंने मेरा काम कर दिया है। अब मुझे चाहिए इजाजत, लेकिन आपको करना है वीडियो पे लाइक और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही कोई फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। चावल ले आओ। हाँ लाओ। ये मत समझना कि खाना खाने के बाद मैं नमक हरामी नहीं करूंगा।